यहाँ पास रुद्राक्ष बेचने के लिए आए हैं, दिखाता हूँ आप लोग को, देख सकते हो। ये क्या बेच रहे हो आप? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और सही असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है बताइए। कैसा है अभी आप लोग? पिंडरवानी से आए भाई। पिंडरवानी से आए हैं भैया लोग, और कब से हो रहा है भैया? और कब? ऐसे तो 3-4 दिन हो गए भाई आए हुए अपन लोग को, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। क्या बेच रहे हैं भैया बताइए हमारे को? लाल चंदन, पीला चंदन बेच रहे हो भैया। और क्या क्या है भैया, कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं MP से, सागर से। हेलो गाइस, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ रायपुर में हो रहे बागेश्वर धाम सरकार का श्री राम कथा। आज है 4th दिवस, तो मैं जा रहा हूँ रायपुर, तो आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम गुड़ियारी रायपुर में हो रहा है, और बाइक पार्क करने के लिए हमारे राइट साइड में जगह है, पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। हम लोग बाइक को वहीं पास पार्क करते हैं और आगे पैदल ही जाना है, तो आप लोग को ले चलता हूं मैं। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, हम लोग बाइक को पार्क कर चुके हैं और यहाँ से पैदल ही जाना है कथा स्थल तक, और अभी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, और कथा जो है वह 3 बजे प्रारंभ होने वाला है। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ आगे की ओर। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ये है प्रवेश द्वार, देख सकते हो बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है दोस्तों पंडाल को भी। आगे की ओर ले चलता हूँ मैं आप लोग को पंडाल की ओर। देख सकते हो बहुत ही भव्य तरीके से राम भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। देख सकते हो गाइस हमारे साथी यहाँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं आज आया हुआ हूँ बागेश्वर धाम सरकार, जिसका कार्यक्रम जो है रायपुर में हो रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास भैया। जय श्री राम भैया। कहाँ से आए हो भैया आप? यूपी। यूपी से? और ये कब से हो रहा है? ये करीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। और आप ये क्या पॉपकॉर्न का वो लगा? तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास सब लगे हुए हैं भैया लोग अपना, और जानते हैं ये भैया कहाँ से हो भैया आप? बिहार से। ये बिहार से है भैया, और यहाँ क्या होते हैं, क्या बेच रहे हो भैया? फल बेच रहे हो। फल बेच रहा है, और आप लोग को दिखाता हूँ, भक्त लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर को दिखाइए और पूछते हैं भक्त लोग को। भक्त लोग से जानने की कोशिश करते हैं गाइस, आ रहे हैं सब अभी। जय श्री राम। वो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आप? गुड़ियारी। गुड़ियारी यही से? और कब से चल रहा है बाबा जी का? 3 दिन हो गई। 3 दिन हो गया। और कब तक चलेगा? 5 दिन के है ना। तो कैसे लगा थे तोला तुम्हारे गांव में आए तो? अच्छा लगा थे। रोज आते सुने पर? हाँ आता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पास और भैया लोग क्या क्या बेच रहे हैं आप लोग को दिखाता हूँ, पूछते हैं कहाँ से आए हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। क्या बेच रहे हैं भैया बताइए हमारे? लाल चंदन, पीला चंदन बेच रहे हो भैया।
और क्या क्या है भैया, कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं एमपी से, सागर से। एमपी से आए हैं भैया जो है, और क्या क्या है भैया बताइए? हमारे पास लाल चंदन है, अंगूठी है और पूजा सामग्री पूरी है, देख सकते हो। और जहाँ जहाँ बाबा जी का दरबार लगता है वहाँ वहाँ जाते हैं भैया, देख हाँ, सकते हो। जहाँ जहाँ बाबा जी का दरबार लगता है वहाँ वहाँ जाते हैं, देख सकते हो। एमपी से हैं भैया, बाबा जी भी एमपी से हैं। यहाँ पास रुद्राक्ष बेचने के लिए आए हैं, दिखाता हूँ आप लोग को, देख सकते हो। ये क्या बेच रहे हो आप? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और सही असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है बताइए? सिक्का पर चलता है, सिक्का पे चलेगा, देख सकते हो दोस्तों। अच्छे से नीचे रहे, देखा नीचे करिए तेरा। हाँ देख सकते हो दोस्तों, घूम रहा है रुद्राक्ष जो है, और ये फल शुद्ध है, शिलाजित है, और ये शिलाजित है। ये क्या है? केसर। केसर है। और ये क्या है? क्या हत्ता जोड़ी है वो, जोड़ी देख सकते हो आप लोग। और दिखाता हूँ आप लोग को और क्या क्या है आप। ओके, नहीं मैं नहीं, ठीक है। हमारे बीच में अभी युवा साथी लोग हैं, उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कहाँ से आए हो अभी आप लोग? पिंडरवानी से आए भाई। पिंडरवानी से आए हैं भैया लोग, और कब से हो रहा है भैया, और कब? ऐसे तो 3-4 दिन हो गए भाई आए हुए अपन लोग को, लेकिन अच्छा भी लग रहा है यहाँ आके, मज़ा आ रहा है भैया भागवत सुनने में, कथा सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और भैया आप कहाँ से हो? हाँ मैं भी इसी का गांव का, गांव का हूँ। हाँ तो जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई।